नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। ममता दीदी के पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था कैसी है, ये तो हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के रूप में देख लिया। उनके राज्य में महिलाएं सत्ता में बैठे दरिंदों का शिकार बन रही है, ये भी हमने देखा। लेकिन इस राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में सामने आया है। किसी जमाने में पश्चिम बंगाल भारत का गौरव हुआ करता था। यहाँ से देश की आजादी के बड़े नेताओं ने जन्म लिया। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल आर्थिक गतिविधियों का बड़ा सेंटर बन गया था। भारत की जीडीपी का 10% से अधिक हिस्सा यहीं से आता था। प्रदेश में लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल की दीदी बनकर उभरी ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंका और अब उन्हें खुद शासन करते हुए 13 साल से अधिक का समय हो चला है। इन 13 वर्षों में भी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ना तो कानून व्यवस्था में ही सुधार है और ना ही आर्थिक स्तर पर तरक्की हो रही है, बल्कि ये और भी गर्त में चला जा रहा है। इसका सबूत दे रही है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट, संजीव सान्याल और आकांक्षा अरोड़ा की रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेटस 1960 से 71 टू 2023 से 24। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज़ादी के समय भारत की जीडीपी में 10.5% का हिस्सा रखने वाले बंगाल का फिलहाल 2023 से 24 में सिर्फ 5.6% हिस्सा रह गया है। इस आंकड़े के साथ ये अब देश के सबसे तेजी से गिरते हुए राज्यों में से एक हो गया है। ये इशारा है देश के विकास में प्रदेश की कम होती भागीदारी का। इसका और गहरा अर्थ ये भी है कि राज्य में उत्पादन भले ही बढ़ा हो, लेकिन ये अन्य राज्यों की तुलना में बहुत धीमा रहा है। और क्यों ना हो, ममता दीदी को तुष्टिकरण की राजनीति से फुर्सत ही नहीं है, वो बस अपनी खराब छवि को चमकाने में लगी हुई है। भारत की आजादी के बाद के वर्षों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान करता था। इस आर्थिक समृद्धि की जड़ें कोलकाता में थी, जो उस समय भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। यहाँ जूट, इस्पात, वस्त्र और रसायन इंडस्ट्री का प्रभुत्व था। लेकिन अब इसकी स्थिति ये हो गई है कि बंगाल अब देश के सबसे तेजी से गिरते हुए राज्यों में से एक हो गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भी इसी तरह गिरावट का शिकार हुई है। 1960 से 61 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 127.5% थी, यानी यहाँ के लोग औसत भारतीय से 27.5% अधिक कमा रहे थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का औसत नागरिक अब राष्ट्रीय औसत से 16.3% कम कमा रहा है। पश्चिम बंगाल की आर्थिक गिरावट के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़े कारणों में से एक है राजनीतिक अस्थिरता और इंडस्ट्रियल ठहराव। 1970 के दशक से राज्य में औद्योगिक अशांति, हड़तालें और राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, जिसने निवेशकों को हतोत्साहित किया और कई उद्योग बंद हो गए। राज्य में लंबे समय तक चले वामपंथी नीतियों को भी इसका कारण माना जाता है। ममता के शासन में ये संभल नहीं पाया और आखिर में ये राज्य आर्थिक रूप से गर्त में चला गया। ममता से ना कानून व्यवस्था संभली और ना ही राज्य की आर्थिक स्थिति में वो कोई सुधार ला पाई। ममता पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। वहां कानून व्यवस्था को देखकर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या वहां सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।